हेलो गाइस, आई एम दिलीप विश्वास। वेलकम टू टैलेंट हब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज हम सब लाए हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग का छोटा सा ट्रिक्स। अभी देखिए, लास्ट वीडियो में भी हम सब डिस्कस किए थे, क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है फिर भी हम सब जोड़े थे। आज वीडियो में जोड़ना वाला तो सिखा दिए थे, अभी हाईलाइट कैसे करेंगे। तो देखिए, 1 2 3 कर रहा हूँ तो 1 2 3 वाला डेटा हाईलाइट हो रहा है, क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है फिर भी हाईलाइट हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो हम सब आज ए वाला हाईलाइट वाला क्लियर करेंगे। लास्ट वीडियो में हम सब सीखे थे जोड़े कैसे, क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा था जोड़े कैसे, अभी हम सब यही इसमें क्लियर करेंगे क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है फिर भी हम सब हाईलाइट कैसे करेंगे। चलिए डेमो में जाते हैं, डेमो तो दिखा दिया, अभी हम सब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी 1 2 6 लिख रहा हूँ या 1 2 3 लिख रहा हूँ तो मैच कर नहीं रहा, इसको मैच कैसे कराएंगे। तो वही जो लॉजिक जो लास्ट वीडियो में दिखाए थे राइट फंक्शन करके, उसी लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए, अभी आप सबको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, पहले भी अप्लाई कर चुका हूँ उसी को, थोड़ा सा हल्का सा कंडीशन फॉर्मेटिंग में कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, राइट फंक्शन तो लगेगा ही, राइट फंक्शन से हम सब क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैरेक्टर को पिक कर सकते हैं, यहाँ से कैरेक्टर को राइट साइड से मुझे कितना चाहिए, 3 चाहिए, ब्रैकेट बंद, एंटर करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 आ जाएगा। बट अभी इसको जब मैच कराओगे तो मैच करेगा नहीं। देखिए, ए वाला इंटू ए वाला, तो क्या बोलेगा, फॉल्स बोलेगा, मैच नहीं करेगा। आप सब लास्ट वीडियो देखे होंगे तो आप सबको क्लियर हो गया होगा ये क्यों फॉल्स बोल रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू जो नंबर देख रहे हो, ये नंबर है नहीं, ये क्या है, टेक्स्ट में है, और ये क्या है, नंबर में है। तो अभी क्या करना है मुझे, इसी को क्या करना है, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अभी इसको टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए तो लास्ट वीडियो में भी दिखा दिए इसको टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम सब टेक्स्ट में ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे, ए वाला सेल को सिलेक्शन करोगे, इसका सर क्या जोड़ना है, स्पेस जोड़ना है ना, एम्परसन लगा के हम सब क्या करेंगे, स्पेस जोड़ देंगे। अभी एंटर करोगे देखो फिर 1 2 3 आया है, मतलब अभी जो 1 2 3 ए 1 2 3 क्या होगा, मैच हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ही कर देते हैं, इजिकल टू ए वाला, इजिकल टू ए वाला, तो अभी क्या हो गया, देखिए मैच हो गया, ट्रू हो गया, तो मतलब मैच करा दिए। तो हम सब यही लॉजिक को लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन लिखे थे, ये देखिए इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, इसका साथ किसको मैच कराना है, इसको मैच कराना है, तो इजिकल टू कीजिए, इजिकल टू इसको मैच कराना है, हो गया मैच करा दिए। अभी तो मैच होगा नहीं, तो इसको क्या करना है, टेक्स्ट, ये जो नंबर है, नंबर को क्या करना है, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो आप सबको पता चल गया टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड सिंबल क्या होता है, जोड़ता है, कॉन्केटेनेट का काम करता है। इसको साथ क्या करेंगे, स्पेस जोड़ देंगे, तो नंबर का साथ कुछ स्पेस डाल दोगे तो क्या होता है, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अभी जब एंटर करोगे देखिए कितना सुंदर ट्रू बोल रहा है हाँ मैच तो कर रहा है, ठीक है। एक जो लॉजिक बना लिए, इसी को क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई करना है, ठीक है। अभी देखिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जब एंटर डेटा या एंटर रो हाईलाइट करोगे ना, एंटर डेटा मतलब क्या होता है, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, एंटर डेटा या एंटर रो जब भी हाईलाइट करोगे तो वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना होता है, ये जो कलम है A2, ये क्योंकि A को क्या करना होता है, कलम को लॉक करना होता है, तो हम सब क्या करेंगे, कलम को लॉक करेंगे। इससे पहले भी मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बहुत सारा वीडियो ला चुका हूँ, तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें हम सब क्या करेंगे, कलम को लॉक करेंगे। अभी कलम को क्यों लॉक करते हैं, ये भी बोला गया है, जब ये जो इम्प्लॉय आईडी है क्या है, इसी कलम में लिखा हुआ, मतलब ये जो इम्प्लॉय आईडी है ना, ये क्या है ना, ये कॉमन है, जो कॉमन राइटर है उसको हम सब लॉक करते हैं। तो इसमें क्या करना, लॉक करना है, लॉक कैसे करना है, F4 तीन बार F4 प्रेस कर दिए, मतलब A को लॉक कर दिए, माने A के आगे डॉलर सिंबल आ चुका, मतलब ये जो कलम है ना, कलम लॉक हो चुका है। तो ये जब भी एंटर डेटा हाईलाइट करोगे तो ये लॉजिक लगाना पड़ता है, ठीक है, कर दिए। और जो यहाँ से जो ए वाला लिए थे E2, इसको क्या करना है, इसको एकदम टोटली लॉक करके रखना है, इसको टोटली लॉक, इसको पोजिशन क्या ना चेंज नहीं होना चाहिए, लॉक एकदम F4 एब्सोल्यूट रेफरेंस वाला काम करना चाहिए, ठीक है। तो हम सब एब्सोल्यूट रेफरेंस कर दिए, और यहाँ पर क्या कर दिए, मिक्स रेफरेंस। तो ये जो लॉजिक लगा दी, इसी लॉजिक को क्या करना है, इसी लॉजिक को कॉपी करना है, और क्या करोगे, तो कॉपी कर लेते, यहाँ से फॉर्मूला बार से कॉपी कर लेते, सिलेक्शन कंट्रोल सी कॉपी कर दिया, ठीक है। अभी लॉजिक को लगाते हैं, सबसे पहले इसको सिलेक्शन कर लेना है विदाउट हेडिंग, हेडिंग को छोड़ के पूरा डेटा सिलेक्शन कर लेना है, क्योंकि जब एंटायर डेटा करोगे तो पूरा ऐसे ही सिलेक्शन करना होता है, एंटायर डेटा सिलेक्शन विदाउट हेडिंग, हेडिंग छोड़ के, तो कर लिए। अभी कहाँ पर जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे जाओगे, ऑल्ट H L
LN है ना, ऑल्ट एच एल एन। देखिए कंडीशन फॉर्मेटिंग ओपन हो चुका है, तो शॉर्टकट की से भी जा सकते हैं। तो हम सब क्या करेंगे, राइट एरो की, डाउन एरो की, डाउन एरो की करके क्या करना है, नीचे आना है टैप करके। फॉर्मूला बार में आ चुका हूँ, जो फॉर्मूला हम सब लॉजिक बनाए थे उसी लॉजिक को क्या करना है, पेस्ट करना है। कंट्रोल सी तो कर लिए होंगे, कंट्रोल भी करते हैं तो पेस्ट हो चुका है। अभी क्या करना है, फॉर्मेट में जाके कलर देना है, तो एंटर कर लिए, तो हम सब यहाँ पर जाके कलर दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कलर दे देंगे है ना, तो हम सब यहाँ पर कोई सा भी कलर दे देते हैं, रेड टेड जो मन करे, या फील इफेक्ट में भी जाके अच्छा सा कलर दे सकते हो, जैसे इच्छा। फील इफेक्ट भी थोड़ा दिखा देते हैं, आप सबको क्लियर नहीं है, तो फील इफेक्ट मतलब दो कलर का कॉम्बिनेशन। तो हम सब यहाँ से दो कलर का कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, तो देखने में क्या होता है ना, सुंदर लगता है, देखने में सुंदर लगता है। तो यहाँ से बहुत सारा पैटर्न है, लिया हूँ। अभी जब भी ओके करेंगे, ओके कर दिया हूँ, देखिए जब भी ओके किया हूँ, 123 123 जो आईडी है ना, वो सब 123 वाला आईडी क्या हो गया, मेरा हाईलाइट हो चुका है। अभी देखिए थोड़ा चेंजेस करके देखते हैं, 126 करते हैं, देखिए 126 हाईलाइट हो गया। 126 क्या था, दो ही था डेटा, तो 126 हाईलाइट हो गया। तो यही है क्राइटेरिया, मैच नहीं कर रहा है फिर भी डेटा मेरा हाईलाइट हो रहा है, तो इसको कैसे किए, तो यही है लॉजिक। तो ठीक है ना, लॉजिक को थोड़ा मैं F2 करके ओपन कर दिया हूँ। तो ये लॉजिक को क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है। तो लॉजिक कैसे बनाते हैं, लॉजिक को क्लियर कीजिए, लॉजिक को क्लियर कीजिएगा तो अपना अंदर से बहुत सारा लॉजिक आप सब लगा सकते हो, और एडवांस टाइप का लॉजिक लगा सकते हो। तो लॉजिक ही होता है मेन, जितना लॉजिक बनाओगे, जितना लॉजिक क्रिएट करोगे, इतना सुंदर लगता है देखने में। तो यहाँ पर भी छोटा सा लॉजिक लगाया, क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा फिर भी डेटा को हाईलाइट कर दिए, लास्ट वीडियो में दिखाए थे क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा फिर भी हम सब शाम कर दिए थे कंडीशन लगा के। तो यह है लॉजिक, जितना लॉजिक बनाओगे उतना ही अच्छा होता है। तो आशा करते हैं गाइस आप सबको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो मेरा टॉपिक को मैं यहाँ पर ही बंद कर रहा हूँ, फिर नया कोई ट्रिक्स मिलेगा तो आपके सामने आ जाएंगे। ओके गाइस, बाय।